तो बेसिकली इसमें ऐसा शो कर रहा है कि जो भी आपके कंट्रोल मेजर्स जो हायरार्की के टॉप पे रखे वो हाईली इफेक्टिव हैं, ऑन द अदर हैंड जो सबसे लास्ट में रखें वो लीस्ट इफेक्टिव हैं। ओके, सो हम आज इसको डिस्कस करेंगे, बेसिकली इसे हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं अपने हैजर्ड कंट्रोल के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एलिमिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन हमारा पहला एलिमेंट है। इसका मतलब अगर कोई भी हमारा हैजर्ड है, ठीक है, उसको एलिमिनेट कर देना बिल्कुल ही। ओके, अब ये कैसे कर सकते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल, आपको किसी भी बिल्डिंग है, ओके, आपको बिल्डिंग का जो है ग्लास को क्लीन करना है, तो एक ऑप्शन तो आप पे ये हो सकता है कि आप स्कैफोल्ड ले आए, स्कैफोल्ड से क्लीन कर लें, ओके, जहाँ पे बहुत सारे हैजर्स रहते हैं। दूसरा ये है कि आप वर्क को एलिमिनेट कर दें पूरी तरीके से। अब यहाँ पे वर्क एलिमिनेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्लीन तो करना ही है वो, ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हमारा काम में नहीं आएगा। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। क्या और कोई तरीका है इसको वर्क करने के लिए? जी हाँ, तरीका है। इसका फोल्डिंग यूज़ ना करके हम एक ऐसा टूल यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्रूम यूज़ कर सकते हैं, या फिर मॉप को किसी लॉन्ग स्टिक से बात सकते हैं, जिससे कि वर्कर ग्राउंड पर स्टैंड करके इन्हें क्लीन कर सकता है। तो याद में रखिए कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एलिमिनेशन ही काम में आए या फिर सब्स्टिट्यूशन में, कभी कभार पीपी हमारे पे लास्ट ऑप्शन होता है, या फिर एडमिन कंट्रोल। ओके, तो कभी हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट हर एक काम पे नहीं लग सकता है, जैसे कि इस केस में आपने देखा। नेक्स्ट, एलिमिनेशन में यहाँ पे डिस्कस कर लिया, यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। ओके, बाकी क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इट मींस अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस कर दें, अगर वो हैजर्डस है तो उसे लेस हैजर्डस से रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल किसी भी, इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं हमारे फायर एक्सटिंग्विशर से। फायर एक्सटिंग्विशर से आपको पता है कि पहले हम हैलन यूज़ करते थे। ओके, हैलन में क्या रहता था कि बेसिकली अगर जो हमारा हैलन है वो आपको पता है कि जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करने में उसका पोटेंशियल रहता था, ठीक है। सो हमने इसे अभी FM 200 या फिर जो भी इसके सब्स्टिट्यूशंस निकले हैं उसके साथ हमने इसे रिप्लेस कर दिया, जिससे कि क्या है कि जो ओजोन डिप्लेशन का पोटेंशियल है वो कम हो गया, ठीक है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल हो गया। और कोई भी ऐसी वर्क प्रोसेस जहाँ पे हम हैजर्डस मटेरियल का यूज़ करते हैं उसे हम लेस हैजर्डस के साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल। जैसा कि हमने यहाँ पे यूज़ करा, कोई स्कैफोल्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें, तो जैसा कि हमने इंजीनियरिंग कंट्रोल में किया, स्कैफोल्डिंग पे हमने अगर अपना जो गार्ड रेल सिस्टम है वो लगा दिया और जो भी अदर फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम से हमने उसको लगा दिया, तो एक तरीके से आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया। ओके, या फिर आप मशीन्स में ले लीजिए। मशीन में आप देखिए, मशीन के साथ हमें काम करना ज़रूरी है, हम उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, ना ही उसको सब्स्टिट्यूशन कभी हो सकता है, लेकिन एलिमिनेशन मुश्किल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम इंजीनियरिंग कंट्रोल लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गार्ड्स और ट्रिप डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो रिड्यूस हो जाए रिस्क हमारा। नेक्स्ट है एडमिन कंट्रोल। अब एडमिन कंट्रोल में क्या होता है कि प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ को डेवलप करना, जिससे कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क को किस प्रोसीजर में हमें करना है, सेफ प्रोसीजर में, SWP फॉर्मेशन करना, SOP बनाना, सेफ ऑपरेटिंग और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इनका डेवलपमेंट करना। ओके, और साथ में उन्हें ट्रेनिंग भी देना। तो ये हमारा ऑल आ जाता है एडमिन कंट्रोल में। नेक्स्ट है हमारा PPE, जो कि आप जानते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, तो इसमें क्या है कि हमारा जो भी वर्कर है वो हजार्ड के कॉन्टैक्ट में आएगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज कर देते हैं PPE। ओके, सो ये था इस फुल टॉपिक का एनालिसिस। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, एंड इफ़ यू have any recommendations for the next video, you can write them in comment box. So thank you for listening as always. God bless you all.